कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल पीडियाट्रिक आईसीयू हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की है। इसी के तहत एसएन मेडिकल कॉलेज में खास बच्चों के लिए सर्जिकल विभाग की बिल्डिंग में 100 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर ढलान पर है, वहीं तीसरी लहर को आने से पहले ही रोकने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी बच्चों पर कोई भी खतरा नहीं आने दिया जाएगा। हर जिले में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और जनपद में मेडिकल कॉलेजों में पीडियाट्रिक आईसीयू हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इसी के मद्देनजर एसएन मेडिकल कॉलेज की सर्जिकल बिल्डिंग में बच्चों के लिए 100 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। एक्चुअली में हमारे द्वारा और डीएम महोदय द्वारा न्यू सर्जिकल बिल्डिंग है हमारे यहाँ पे, वो सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग है, तो उसका निरीक्षण किया गया था। अभी इस वक्त पे वहाँ पे बच्चों का अस्पताल चल रहा है, तो उसके दृष्टिगत हमने जो उसका फर्स्ट फ्लोर है उसमें हमारे पास में काफ़ी स्पेस है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं 100 बेड के पीआईसी को। डॉक्टर शिव प्रताप सिंह हमारे साथ में, ये उसके इंचार्ज हैं, और हमने जो पीडियाट्रिक्स जो एज सच है, जो पहले आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, पहले पीडियाट्रिक में थे, कोविड में कन्वर्ट हो गई, तो पीडियाट्रिक हम फोर्थ फ्लोर पे जो बच्चे हैं ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं, जो नॉर्मल पीडियाट्रिक के बच्चे हैं वो फोर्थ फ्लोर पे चले जाएंगे। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य संजय काला ने बताया कि शासनादेश अनुसार तीसरी लहर को रोकने के लिए विशेष बच्चों के लिए हम 100 बेड का अस्पताल बना रहे हैं, जिसमें डॉक्टर शिव प्रताप को प्रभारी बनाया गया है। कैमरामैन रंजीत चौहान के साथ हरिकांत शर्मा की रिपोर्ट।